डियर स्टूडेंट्स, ये किंगडम ऑफ फूल का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि एट लास्ट जो है किंग के पास जो है वो मर्चेंट आए और ये हुआ कि मर्चेंट को फांसी दे दी जाएगी, और उसी के बाद आगे हम शुरू करते हैं। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक, ही जो किंग के लिए आया है उन्होंने ऑर्डर किया न्यू स्टेक। स्टेक होता है जिससे फांसी, जो वुड का या मेटल का कोई चीज बनाया जाए जिसमें जो है फंसा कर और उसके बाद उसको फांसी दी जाए, तो कहा न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन में फांसी देना, तो फांसी देने के लिए उन्होंने जो फंदा बनवाने को कहा था वो नया बनवाने को ऑर्डर दिया था। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, शार्पेन मतलब उसको ठीक ठाक एकदम अच्छा से बना दिया गया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इंपैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसको रेडी किया गया कि अंत में फाइनली जो है क्रिमिनल को उससे फांसी दे। इंपैलिंग का मतलब होता है कहीं एडजस्ट करना, किसी को पुट इनटू मतलब है कि उस फंदे के अंदर इसके जो है इसको फिट किया जाएगा मर्चेंट को और उसको फांसी दे दी जाएगी। तो अब रेडी हो गया। इट ऑकर टू द मिनिस्टर द रिच मर्चेंट वाज, जब ऐसा हुआ तो ऐसा महसूस हुआ मिनिस्टर को, जो रिच मर्चेंट था, मर्चेंट जिसको फांसी देनी थी, वो जो है समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूटेड। टू थिन ये टी डबल ओ मतलब लिमिट से ज्यादा, जैसे फांसी के फंदा बनाया गया वो वुडन था या मेटल का था तो उसमें जो है ये फिट नहीं कर रहा था, ठीक है, वो इतना पतला था कि उसे प्रॉपरली एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक, उस स्टेक में वो फिट नहीं हो रहा था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, अब जो है वो किंग को जो है ही अपील टू द किंग को कहा गया, ये बात बताई गई कि वो तो मर्चेंट उसमें फिट नहीं कर रहा। द किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग जो थे वो भी चिंतित हो गए कि क्या किया जाए, ये तो फिट नहीं हो रहा। व्हाट शैल वी डू ही सेड, अब क्या करें हम लोग। व्हेन Suddenly it struck him that all they needed, अचानक उसके उनके दिमाग में, किंग के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया, they needed to do was to find a man fat enough to feed the stag, तो एक ऐसे आदमी को लोग find out करें, मैन फैट, इतना फैट इनअप का मतलब होगा कि इतना सुटेबल हो, इतना मोटा हो कि वो स्टेक में ये एडजस्ट हो जाए, क्योंकि मर्चेंट उस स्टेक में एडजस्ट नहीं होता, बहुत पतला था, दुबला था, तो एक मोटा आदमी की जरूरत थी जो जिसको उसके जगह पे फांसी दे दिया जाए उस स्टेक में। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन Who would fit the stake? अब सर्वेंट जो थे पूरे टाउन में सब जगह घूमने लगे और ऐसे आदमी को ढूंढने लगे जो उस स्टेक के सुटेबल हो, जो उस स्टेक में एडजस्ट कर रहा है। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानाज राइस एंड व्हीट एंड घी, तब तक ढूंढते ढूंढते जो है उनकी नज़र उस शिष्य पे पड़ गई जो वहाँ पे खाने के लिए रुका ही था, गुरु के साथ नहीं गया, और जो है खा खा के बनाना राइस व्हीट और घी ये सब खा खा के जो है वो जो है बहुत मोटा हो गया था, उन पे जो है उस डिसाइपल पे जो है उनके सर्वेंट की नजर गई। अब उसको जो है राजा के जो लोग थे उसको पकड़ लिए, वो पूछता है व्हाट है आई डन रॉन्ग, वो कहता है मैंने क्या गलती की, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ, और मैंने कोई गलती नहीं किया, वो चिल्लाया। डैट मे बी ट्रू, ये सही है कि तुमने कोई गलती नहीं किया, बट इट इज़ अ रॉयल डिक्री, ये कानून है, राजा का जो है आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द, आदेश था कि हमको ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो उस स्टेक में फिट हो जाए, इतना मोटा हो कि वो स्टेक में फिट कर जाए। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, अब ये लोग जो है उसको ले गए और उसको फांसी लगाने जहां फांसी लगता है वहां पे ले गए। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरु वर्ड्स
उस तब उसको अपने गुरु की बात याद आई। गुरु जब जाने लगे थे वहां से तो उसको कुछ सजेशन दिए थे, ये चीज उसको याद आया दिस इज द सिटी ऑफ ए फूल्स है, यहाँ पे ये लोग शहर जो है मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट मतलब है कि अब आगे क्या करने वाले हैं ये तुमको नहीं पता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर दैट ही प्रेड हिज गुरु इन हिज हार्ट। अब जो है अब इसको तो फांसी दिया ही जाने वाला था, तो मन ही मन जो है अपने गुरु को गुरु की प्रार्थना करने लगा, उनको याद करने लगा, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और गुरु से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसके जो है उसके रिक्वेस्ट को सुने जहां भी हो। वेर द गुरु सॉ एवरीथिंग इन विजन, गुरु अंतर ध्यान से सारे कुछ देख लिए। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास बहुत मैजिक पावर था, मतलब बहुत स्ट्रेंथ था, बहुत ज्ञानी थे, और उनको इस ज्ञान से उनको ये जानकारी मिल गई कि ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देख सकते थे, वो इतने ज्ञानी थे, एंड द पास्ट सब कुछ को देखने के बाद ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, फिर जो है वो वहां पे चले आए अपने शिष्य को बचाने के लिए, गुरु जो है चले आए, हु हैड Got himself into such a scrap throw love of food, और उस शिष्य के बारे में है ये जो यहाँ से है, who had got himself, disciple है, उस शिष्य के बारे में कह रहा है कि जो love of food मतलब खाने के लालच में, फूड के लव में जो है अपने आप को इतने बड़े डिफिकल्टी में डाल दिया। ये स्क्रैप का मतलब होता है पुट इन टू डिफिकल्टी, ये जो रेड से इसका मीनिंग लिखा हुआ है इसको आप लिख लेंगे और लर्न भी कर लेंगे, मतलब है कि लव के लिए फूड के लिए उस शिष्य को जो अपने आप को इतने प्रॉब्लम में डाल लिया था उसको बचाने के लिए गुरु जो है वहां पे As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. वो आए तो सबसे पहले तो अपने शिष्य पे गुस्साए, जिसके कारण उसकी बात नहीं माना था, उनके साथ नहीं गया था, और told him in a whisper, मतलब है कि उसको धीरे से फुसफुसा के उसको कुछ कहे। Then he went to the king and addressed him. फिर वो गए किंग के पास और किंग को बोलते हैं, ओ wisest of kings, who is greater? किंग को संबोधित करते हैं कि आप बहुत महान हैं, और पूछते हैं, वाइजेस्ट ऑफ किंग का मतलब है कि उनकी महानता को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़े होते हैं या शिष्य, चेला बड़ा होता है गुरु होता है, ऑफ कोर्स द गुरु, नेचुरल है, किंग ने जवाब दिया गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो, गुरु तो बड़ा ही होता ही है। देन पुट मी ऑन द स्टेक फर्स्ट, put my disciple to death after me, इसलिए मैं बड़ा हूँ तो मुझे जो है स्टेफर माने मुझको फांसी पहले दे दीजिए और मेरे शिष्य को जो है मेरे बाद फांसी दीजिएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, और वो जो है जब वो सारे चीजों को देखता है तो जो है जोर जोर से जो है वो भी जो है जोर जोर से बोलने लगता है। अब शिष्य क्या बोलता है सो देखिए, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। अब वो कहता है कि नहीं, आपने मुझे यहां पहले लाया था तो इसलिए आप मुझे पहले फांसी दीजिए, और जो है उनको पहले फांसी नहीं दीजिए। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू द फाइट, अब दोनों जो है आपस में झगड़ने लगते हैं, शिष्य और गुरु जो है, अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कौन पहले जाएगा। पहले गुरु कहते थे मुझे फर्स्ट फांसी पे दो, पहले फांसी दो, चेला कहता था मुझे पहले फांसी पे दो। द किंग वॉज पजल्ड बाय द, राजा को तो आश्चर्य हो गया कि फांसी पे जाने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं। ही आस्क द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टे, तो वो कहते हैं कि तुम क्यों मारना चाहते हो, गुरु से पूछते हैं, हमने तो उसे इसलिए चूज किया है कि वो स्टेक पे फिट कर रहा है, तो ये फिट कर रहा है इसलिए जो है उसको जो है करने के लिए कर रहा है, तुम क्यों मरना चाह रहे हो ये बताओ। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाई वो गुरु, गुरु बोलता है ऐसा कुछ भी मत पूछिए, पूछिए आप मुझे सीधे पहले फांसी पर लटका दीजिए। Why? There is some mystery here.
एज द वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. मिस्ट्री रहस्य क्या है, देयर इज क्या रहस्य है, तुम मुझे जो है मेक मी, हमको समझाओ कि ये रहस्य क्या है कि तुम पहले फांसी पे चढ़ना चाहते हो. Will you promise to put me to death? I will tell you. तो वो गुरु बोलते हैं कि अगर आप प्रोमिस कीजिए कि आप पहले मुझे फांसी पे लटकाइएगा तो मैं आपको बता दूंगा. आज द गुरु द किंग गेव हिम सोलमन वर्ड. सोलमन मतलब ग्रे वर्ड, मतलब है कि सीरियस वर्ड, मतलब निश्चित रूप से आपकी बात मानी जाएगी, शपथ लेकर कर रहे हैं. आप बताइए कि क्यों आप डेथ को सेलेक्ट कर रहे हैं. द गुरु टुक हिम एसाइड आउट ऑफ सर्वेंट ईयर शॉट. तो वो बगल में ले गए ताकि जो है सर्वेंट उनकी बातों को नहीं सुने. और राजा के पास बहुत से सर्वेंट रहते तो साइड में ले गए और विस्पर टू और धीरे धीरे उनको बताया. डू यू नो वाई यू वॉन्ट टू राइट टू डाई राइट नाउ. आप जानते हैं मैं क्यों पहले मरना अभी मरना चाहता हूँ. टू ऑफ अस वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस. वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूमा है लेकिन ऐसा सिटी हमें नहीं मिला और एक किंग लाइक योर आपकी जैसा तो राजा मिला ही नहीं है. द स्टेक इज स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो फंदा आपने बनवाया है फांसी देने के लिए ये तो गॉड ऑफ जस्टिस भगवान का फंदा है. इट इज न्यू इट हैज और ये एकदम नया है और इस पे जो है नेवर हैड ए कोई क्रिमिनल किसी को अभी फांसी दी नहीं गई है. हूएवर डाई ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री. जो सबसे पहले इस पे मरेगा वो इस देश का राजा बनेगा, पुनः जन्म लेगा तो राजा बनेगा. एंड हूएवर गो नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. और दूसरा जो बनेगा वो मिनिस्टर बनेगा. वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ. एसेटिक मीन्स होता है धार्मिक लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ. तो वो ये कह रहे हैं कि मैं हम लोग जो है ये गुरु और चेला हम लोग जो है ये लाइफ जो है ये धार्मिक लाइफ ये सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीते जीते थक गए. मतलब है कि हम लोग मर जाना चाहते हैं और अगले जन्म में राजा बनना चाहते हैं. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज ए किंग और मिनिस्टर फॉर है. इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब अच्छा होगा कि अगले जन्म में किंग बन जाएंगे और मिनिस्टर बन जाएंगे और एंजॉय करेंगे. नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड पुट अस टू डेथ माई फर्स्ट. तो कहा कि आप अपने वर्ड को प्रोमिस किए थे इसलिए हम लोग को डेथ दीजिए और उसमें मुझे पहले डेथ दीजिए. मतलब मुझे पहले फांसी पर लटका दीजिए, मेरे शिष्य को बाद में लटका दीजिए. आपने प्रोमिस किया था उस प्रोमिस को आप पूरा कीजिए. द किंग नाउ थ्रोन इन टू डीप. राजा सोचने लगे, बहुत सोचने लगे. ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड. वो नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में ये किंगडम का मालिक कोई और हो जाए. ही नीडेड टाइम सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक टू द सेक्रेट विद द मिनिस्टर. अब उन्होंने कुछ समय लेने की सोचा कि कुछ टाइम ले तो उन्होंने कहा कि ये फांसी की जो सजा होने वाली है पोस्टपोन हो गई, ये कल होगी और उसके बाद जो है अपने मिनिस्टर से सेक्रेट टॉक करने लगे, उससे बातचीत करने लगे कि क्या किया जाए. इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. ये सही नहीं है कि हम अपना जीवन अपना किंगडम जो है अगले जीवन में किसी और को दे दें. लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रिबॉर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन. तो इससे बेटर हो कि हम ही लोग जो है फांसी पे लटक जाए और अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे. राजा ने अपने मिनिस्टर से कहा कि मैं किंग बन जाऊंगा, तो मिनिस्टर बन जाओगे और ये ठीक रहे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. जो होली मैन होते हैं, जो धार्मिक आदमी होते हैं, वो जो गुरु होते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते. ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्री. मिनिस्टर भी एग्री हो गया इस बात से और राजा भी एग्री हो गया. सो ही टोल्ड द एक्सक्यूजनर्स जो फांसी देने वाले थे उसको कहे वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट. क्रिमिनल को हम लोग आज भेजेंगे. When the first man comes to you, put the dead first. जो पहला आदमी आएगा उसको सबसे पहले सजा दे दीजिएगा. Then do the same to the दूसरे आदमी. जब दूसरा आदमी जाएगा तो उसके बाद फांसी पे लटकाइएगा. They are ये मेरा ऑर्डर है. Don't make me और कोई मिस्टेक मत कीजिएगा. That night the king and the minister went secretly to the prison. अब जो है king और minister दोनों को जो है ये जो है king and minister जो है चुपचाप जो वहाँ पे गए जेल में गए और वहां पे रिलीज द गुरु गए. इन दोनों को रिलीज कर दिए, वहां से भेज दिए बाहर. डिस्गाइज देमसेल्फ एज टू और दोनों जो है अपना भेष जो है
बना लिए इन दोनों की तरह एंड एज अरेंज बिफोर एंड द लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू स्टेक एंड प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड। और जैसा ये सबको बताया गया था बिफोर हैंड का मतलब पहले से आदेश जैसा दिया गया था उसी आदेश के अनुसार सबसे पहले किंग है, किंग को फांसी दे दिया गया, उसके बाद से उनके मिनिस्टर गए, उसको जो है मिनिस्टर को उसने फांसी दे दिया। When the body were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. जब बड़ी इनको ले जाई गई और थ्रोन टू द माने इनके डेथ हो जाने के बाद फेंक दिया जाता है क्रो के लिए और वल्चर के लिए कि उसको खा ले, तो ऐसा जब ले जाया जाने लगा तो ले जाने के बाद जो है पीपुल जो है वो पैनिक हो गया। पैनिक का मतलब होता है अजीबोगरीब कंडीशन में हो गए, क्योंकि वे लोग तो देखे क्या, क्यों पैनिक हो गए, देखे दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग, वे लोग देखे कि ये जो बॉडी है डेड बॉडी है तो किंग का है और मिनिस्टर का है। द सिटी वाज इन सीरियस, सारे लोग कंफ्यूजन पड़ गए, अब करे तो क्या करे, राजा और मिनिस्टर दोनों को दोनों जो है डेड कर गए हैं। ऑल नाइट दे मौन, मौन मतलब शोक मनाना, दुख मनाना, एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उस किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोच लेगा। सम पीपल सडनली थॉट गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस। कुछ लोग सोचने लगे गुरु और डिसाइपल, शिष्य के बारे में सोचने लगे ये, और उसी समय ये दोनों जो क्या कर रहे थे, इस शहर को चुपचाप शहर से निकल जाने के बारे में सोच रहे थे कि ये तैयार हो रहे थे कि किसी तरह शहर से ये लोग बाहर निकल जाए, तब तक जो है उन लोगों ने जो है उस वहाँ के लोगों ने इन लोगों को नोटिस कर लिया, इन लोगों को देख लिया। वी पीपुल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर्स, उन लोगों ने उनसे कहा कि उन लोगों को एक किंग चाहिए और एक मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि दोनों को तो फांसी दे दी गई है। अदर एग्रीड, सारे लोग एग्री हो गए इस बात से, और ये कहे गुरु को और उनके शिष्य को, दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, माने गुरु को कहे कि आप किंग बन जाइए और उनके शिष्य को बोले कि आप मिनिस्टर बन जाइए। ही डिडंट टेक एनी आर्गुमेंट टू परसुएड द डिसाइपल, परसुएड का मतलब होता है समझाना, तो चेला जो शिष्य जो था उसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा ये बात को मानने में, क्योंकि वो तो वहाँ रहना ही चाहता था, वो तो था ही, तो वो तो रहा, बट इट टेक लॉन्गर टू परसुएड, लेकिन गुरु नहीं तो गुरु को सोचना पड़ा, उनको टाइम लग गया इन लोगों की बात मानने में। फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग, लेकिन अंत में तैयार हो गए कि उस किंगडम को रूल करेंगे। एंड सिली मिनिस्टर्स, जो राजा थे फुलिस थे मिनिस्टर सिल्ली थे, ऐसे जो है इन लोग जो ये जो है गुरु तैयार हो गए इन लोग को रूल करने के, ऑन द कंडीशन दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, ये इस कंडीशन में बनाए बने बनने को तैयार हुए कि पुराने सारे कानून को वो बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, राजा बन गए गुरु तो इन्होंने फिर से नाइट जो है नाइट में हो गया, जैसे रात रात की तरह हो गई और डे जो है डे की तरह हो गई। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर डूडू, और एक डूडू में जो सारे चीज मिल जाते थे ऐसा नहीं, ये भी रूल चेंज हो गया। इट बिकम लाइक एनी अदर, जैसे दूसरे प्लेस में होता है उसी तरह से रूल कानून जो है वहां पर लागू हो गया। और ये आपका जो है ये पूरा हो गया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल को दबा दीजिए, और उसके बाद जो है जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।